फतेहाबाद से भाजपा उम्मीदवार विधायक धुड़ाराम के नामांकन सभा में उमड़ा जनसैलाब। उनके इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आना था, जो कि यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है यहां 3 बजे पहुंचे, अर्थात 6 घंटे तक कार्यकर्ता इसी सभा स्थल पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तौर पर जमे रहे, जिसका मुख्यमंत्री ने भी खूब दाद दी और कहा कि वास्तव में धुड़ाराम की फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रियता का डंका बजता है। उन्होंने कहा कि यह कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनके समर्थकों की बदौलत है कि फतेहाबाद विधानसभा से भी अब भाजपा रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजय होंगी। यहाँ पर जो है किस तरह से यहाँ के हालात है, यह आपको एक बार दिखा देते हैं कि मंच पर आपने देखा होगा कि मंच पर नेता लोग बैठे हैं, लेकिन विधायक जो भाजपा के प्रत्याशी हैं धुड़ाराम, वो जनता के बीच खड़े हैं। जनता के बीच यहाँ जो कार्यकर्ता, यहाँ उनके समर्थक कार्यकर्ता जो आ रहे हैं, बार बार उनका अभिनंदन, उनका स्वागत खुद यह प्रत्याशी धुड़ाराम कर रहे हैं। जनता के बीच इस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ हाथ मिलाते हुए जिस तरह से डटे रहे, इसी यही उनका आपको साफ तौर पर बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ प्रेम है, जिसके बदौलत कार्यकर्ता 9 बजे फतेहाबाद में उनके कार्यालय स्थल पर जहां जनसभा रखी गई थी वहां पहुंचे थे। 3 बजे तक इसी तरह से जमे रहे और जिस तरह से कार्यकर्ता उनके साथ जमे रहे, और खुद यहां भाजपा प्रत्याशी धुड़ाराम भी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ खड़े नजर आए। कार्यकर्ताओं के साथ हाथ से हाथ मिलाते हुए वे आप देख रहे हैं, कोई उनका उन्हें उनसे आशीर्वाद ले रहा है तो कोई उनके साथ हाथ मिलाकर यहाँ से उनके जनसभा स्थल में अपना प्रवेश कर रहा है और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। विधायक धुड़ाराम जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, मधुरभाषी हैं और जनता के बीच रहना पसंद करते हैं, और यही है कि आज उनके साथ फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की अच्छी पेठ जमाने में वे कामयाब रहे हैं और किस तरह से लोगों का अभिवादन, उनका स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं आप देख सकते हैं। फतेहाबाद में यहाँ इस कार्यक्रम में जुटी भीड़ ने यहाँ साबित कर दिया है कि फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में जो है भाजपा प्रत्याशी धुड़ाराम को जो है पराजित कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका जो लोकप्रियता, उनका जो लोगों के साथ मिलने का जो ढंग है वह निराला है। इसी तर्ज पर हम जो है वे लगातार फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में 5 साल कार्य करते रहे और उन्होंने बुन्ना, फतेहाबाद और भट्टुकला में अपने कार्यालय के तौर पर प्रतिष्ठान पर अपना एक एक दिन निर्धारित किया हुआ था, जिसके चलते वे पूरे 5 वर्ष तक उनका कार्यालयों में अपना जो साप्ताहिक कार्यक्रम निर्धारित था वहाँ पहुँचते रहे और हमेशा जनता के बीच रहने के चलते आज विधायक धुड़ाराम ने अपनी लोकप्रियता की जो पेठ है वो जनता के बीच ज्यों की त्यों बनाई हुई है, और इसी के बदौलत आज फिर उनका जिस तरह से लोकप्रियता के चलते इस भीड़ ने साबित कर दिया है कि यहाँ से फतेहाबाद से विधायक धुड़ाराम की काफ़ी मजबूत हैं और यहाँ से भाजपा प्रत्याशी की जो है जीत रिकॉर्ड मतों से हो सकती है, और इसको लेकर खुद नायब सिंह सैनी जो यहाँ नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए यहाँ पहुँचे तो उन्होंने भी यह जोर देते हुए कहा कि प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी धुड़ाराम जैसा कोई नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम आपको बता दें कि उनके नामांकन पत्र दाखिल कराने को लेकर जहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुँचे, वहीं राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा, पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई जैसे कई बड़े नेता की मौजूदगी में धुड़ाराम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व यहाँ कार्यालय के उद्घाटन दौरान यहाँ हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया। भाजपा चुनाव कार्यालय का शुभारम्भ धुड़ाराम ने पूरे जो है हवन यज्ञ के साथ पूजा अर्चना करते हुए यहाँ उद्घाटन किया और उसके बाद अपना चुनाव प्रचार का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। यहाँ पर अनेक क्षेत्र के सरपंच व चुने प्रतिनिधि भी इस जनसभा में देखने को मिले। लोग उत्साह के साथ इस जनसभा में शामिल होने के लिए यहाँ आए। लोगों का अभिवादन और उनका स्वागत करने का जो विधायक धुड़ाराम का जो तरीका था वह देखकर लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। हर व्यक्ति के साथ देखे यहाँ वे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा,
हर व्यक्ति का, यहाँ आने वाले व्यक्ति का सम्मान करते हुए जो भाजपा प्रत्याशी धुड़ाराम यहाँ साफ दिखाई दे रहे हैं। जब वे मंच पर चढ़े तो भी वहाँ पर भी उन्होंने, उन्हें जो चिंता है वो कार्यकर्ताओं की रही। वे यहाँ एक पुलिस कर्मचारी को कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए वे खुद कह देंगे, उन्हें परेशान ना करें। कार्यकर्ताओं को बैठाने को लेकर खुद धुड़ाराम देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को किस तरह से शांत करते हुए अपना यहाँ बिठाने में कामयाब रहे। पूरी व्यवस्था पर नज़र जो है विधायक धुड़ाराम जो भाजपा प्रत्याशी हैं फतेहाबाद से, उनकी नज़र इस पर रही और उसके बाद वे यहाँ मंच पर बैठे और जो है वरिष्ठ नेता भाजपा के कुलदीप बिश्नोई से वे व्यापक चर्चा करते दिखाई दिए। इसी के साथ हम आपको बता दें कि यहाँ जो है स्टेडियम में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ फतेहाबाद में विधायक चौधरी धुड़ाराम का नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए पहुँचे। उनका हेलीकॉप्टर उतरता हुआ आप देख रहे हैं। यह फतेहाबाद के खेल स्टेडियम में यहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री फतेहाबाद पहुँचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी काफ़ी लेट पहुँचे क्योंकि कार्यक्रम जिस हिसाब से बताया जा रहा था कि 9 बजे है और 9 बजे ठीक 9 बजे जो है यहाँ कार्यक्रम का शुरुआत कर दिया गया और उसके बाद यहाँ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ में आहुति डालकर क्षेत्र के लिए सुख समृद्धि की कामना की गई और उसके बाद जो है विधिवत रूप से जो है यहाँ पर चुनाव प्रचार करने को लेकर वक्ताओं का संबोधन शुरू हुआ। जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ हेलीकॉप्टर से पहुँचे तो यहाँ पर उपस्थित उनके समर्थकों व भाजपा पार्टी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का फतेहाबाद में आने पर भव्य स्वागत किया। यहाँ पर जिस तरह से जनता से मिलते हुए या लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलते हुए मुख्यमंत्री नज़र आ रहे हैं, वे यहाँ से सीधा जो है मिनी सेक्रेटरेट गए और जहाँ वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने जो है भाजपा प्रत्याशी चौधरी धुड़ाराम का नामांकन पत्र दाखिल करवाया। यहाँ पर मुख्यमंत्री के आगमन पर और कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए यहाँ कलाकारों की फौज भी देखने को मिली। ये कलाकार अपने मधुर जो है बीन बाजे पर लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए नज़र आए। यहाँ पर भारी संख्या में लोग मुख्यमंत्री का इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो काफिला जो है यहाँ आ रहा था, इसको लेकर यहाँ पर कलाकार भी अपना यहाँ पूरी जोश के साथ नृत्य प्रस्तुत करते हुए लोगों का मनोरंजन कराते हुए दिखाई दिए।